वालेकुम। एक वीडियो बनानी थी और वो ये था कि मैं थोड़ा सा ऑफिस में उस वक्त, लेकिन आजकल एक वीडियो वायरल हुई है रिगार्डिंग हॉन्डा CG125। और उसमें जिन साहब की है, उन्होंने 2018 का मॉडल है हॉन्डा CG125 क्लासिक, और उन्होंने 1,10,000 रुपये की, जो कि इसकी प्राइस है करंट, उतने की परचेज की थी। और विद इन 15 डेज उसमें कोई इशू आया और उन्होंने जब मैकेनिक के पास गए हैं वो, तो उसमें जब उसका इंजन खोला है तो पता चला कि उसकी कैम गिराली जो होती है वो ही टूट गई है। वो वीडियो वैसे काफ़ी लोगों ने देखी हुई, वायरल हुई है काफ़ी आजकल। अच्छा, पॉइंट ये है कि दिस इज़ नॉट अगेंस्ट होंडा। होंडा इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन एटलीस्ट होंडा ने ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी क्वालिटी बहुत डाउनग्रेड कर दी है। प्राइसेस वो इस साल के अंदर ही 5 दफ़ा बढ़ा चुके हैं और क्वालिटी मुसलसल दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रही है, शॉक्स का, वाइब्रेशन का, और अब ये इतना बड़ा मेजर इशू विद इन 15 डेज इज़ वेरी अलार्मिंग। तो रीज़न ये है कि जो हज़ार होंडा लेते हैं और शौकीन है, होंडा मुझे भी बहुत पसंद है, 125 एक आइकॉनिक बाइक है अपने ज़माने की, लेकिन अब जो क्वालिटी एटलस होंडा अपनी बाइक्स में दे रहा है, इट्स नॉट रियली गुड। और अब ये मेरे ख्याल में जो भी हजरत हैं, मतलब ऑब्वियसली 1 लाख से ऊपर की अगर कोई मोटरसाइकिल लेता है तो बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपए, और 1,10,000 प्राइस है कोई भी बाइक जो जिसकी प्राइस मैं समझता हूँ आज के दौर में 1 लाख से ऊपर है तो काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक है, और वैसे ही महंगाई का दौर है। तो बेचारे हजरत जो लोग हैं अपनी इतनी एक हार्ड अर्न मनी से एक बाइक ख़रीदते हैं, और जैसे उन्होंने वीडियो में कहा है कि उन्होंने होंडा इसलिए ली कि एक नाम है, ट्रस्ट है, क्वालिटी का एतबार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटलस अपनी बाइक्स की क्वालिटी दिन ब दिन ख़राब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एज ए कंज्यूमर, हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए ताकि एटलस होंडा इस पे फोकस करें, अपनी गलतियों को सही करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप होंडा छोड़ के कोई और बाइक लें, मैं किसी और बाइक से भी कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान का जो बड़ी मेहनत से पैसा जमा करता है और बाइक लेता है, और उसके साथ अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो मुझे बड़ा फील होता है, क्योंकि बहुत महंगाई है और इस शौक़ को पूरा करना वैसे ही पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो अब आप ये वीडियो देखें और उसके बाद ऑब्वियसली ये तो काफ़ी लोगों ने देखी होगी, और फिर आप हर प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करें, इस बात को शेयर करें ताकि एटलस होंडा की सीनियर मैनेजमेंट तक ये बात पहुँचे। इधर लगाओ गाड़ी, इधर मेरी तरफ देख रहे हो, 2018 गाड़ी है ये, इसका हेड सेंटर खुला हुआ है, ये इसकी केम गरारी की ये जगह टूट चुकी है, देखो ये। और ये आप सीरियल भी देख सकते हो, सीरियल भी इतनी पुरानी नहीं है, 2018 सीरियल है, 62 सीरियल है। और गाड़ी क्या बता, देख लो ये होंडा ले सामान दे रहे, ये होंडा ले ऐसी गाड़ी में ऐसे सामान लगा के दे रहे हैं ये। अगर ये होंडा वाले ऐसी गाड़ियां बनाने तो फिर चाइना वाले क्या करेंगे? आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से गाड़ी खरीदी है, ये होंडा वाले हमारे लिए गाड़ी इतनी अच्छी बना के दे रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं 2018 1,10,000 की मेरी खुद की खरीदे है, मेरा दिल टूट गया। अगर 90,000 रुपए की कोई खरीदेगा ना, मैं इसको भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये होंडा की ली थी, लेकिन इससे अच्छा तो चाइना की गाड़ी है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर ये हुआ है, अल्लाह ना करे 2019 में कोई गाड़ी आएगी। बहुत ज्यादा कंप्लेने आ रही है गाड़ी की, कलर में आ रही है, शोर में आ रही है, वाइब्रेट में आ रही है, हर चीज में क्लेम आ रहा है, हर चीज में शिकायत आ रही है। पहले फाग का आता था, अब देखें, आप देख सकते हैं जंपों में उसमें शिकायत आ रही है, अगले जंपों में शोर इसमें आ रहा है, वाइब्रेट इसमें आ रही है, देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। 2018 ये इसका इंजन है, जो हमने आपको पहले दिखाई थी, एक जगह दोबारा दिखा रही है, इस जगह से टूटी है, देख सकते हैं आप, ये इस जगह से टूटी हुई है, ये बिल्कुल कट चुकी है, ये मुश्किल से इस गाड़ी को लिए 15 दिन हुआ है हमारे को। जी जनाब, आपने वीडियो देख ली, देखा होगा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। चाहे जो भी शख्स हो, अगर वो इतने पैसे के बाद ये बाइक ले रहा है तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो गाइस, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।